गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही? ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग रिवीजन हम लोग ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है ना? तो उसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हम लोग जो रिवीजन में हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने पढ़ा था, और ये मैंने बताया था कि कैसे जो साइड्स हैं ट्रायंगल के एक दूसरे से रिलेटेड हैं रेशियो के टर्म्स में, ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एक ट्रायंगल है यहाँ पर, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई एक ऐसी लाइन जो किसी एक ट्रायंगल के साइड के पैरेलल हो, तो अगर वो ट्रायंगल के दो पॉइंट पे कट करती है, तो AP बाई PB का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा? AQ बाई QC के रेशियो के बराबर होगा। यही हमने कुछ चीजें देखी थी। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस पे बेस्ड है, ठीक है? अब देखिए, एक और प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे कि अगर आपके पास थ्री लाइंस हैं, ठीक है ना, थ्री लाइंस दिया हुआ है, और ओके ओके ठीक है, मैं बेसिक मैं वही ये जो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, इसी की बात कर रहे हैं ना आप तन्वी? ओके ओके, तो ये कुछ खास नहीं है, उसी का एक्सटेंशन है। ओके, मैं इसको देख लेता हूँ, इसका भी कुछ नहीं है। ए बी बाई बी सी का जो रेशियो होगा पी क्यू बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा। ये बेसिक चीजें आपको देखनी है। मैं आगे मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मेरे साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा और उसी क्वेश्चन को आपको बनाने हैं और मेरे को यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है ना? देखिए, ये एक आपके पास ट्रायंगल है, ये जो भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ ये आप इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अब देखिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट है? ये आपका लाइन सेगमेंट है, किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? देखिए, ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है? पैरेलल है। ये जो मैंने इंडिकेट किया है ना, ये जो मैंने ये इक्वल टू जैसा मैंने कुछ दिखाया है, ये पैरेलल का ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, इसके बाद अब क्या बोला गया है, अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डी और ई पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना? और क्या बोला गया है, ए सी जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल क्या है, पैरेलल टू द डीसी लाइन। क्वेश्चन समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन आपको समझना है सिर्फ यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी का जो लेंथ है 5 है, 5 यूनिट्स है, और इसका आपका लेंथ है 3 यूनिट, समझ रहे हैं ना? इसका कितना लेंथ है? 5 है। बी का कितना लेंथ है? बी का आपका लेंथ है 5। ओके, बी का लेंथ है आपका 5 एंड इसी का लेंथ है 3। ओके, तो मेरे को आप, और देखिए डीबी का लेंथ दिया हुआ है कितना, डीबी का लेंथ दिया हुआ है, ये डीबी का मैं लेंथ यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, डीबी का लेंथ दिया हुआ है
डीबी का लेंथ दिया हुआ है, 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। ये दिया हुआ आपका 2.5, ठीक है, 2.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.5। तो आपको जानते हैं क्या बताना है? आपको AB का लेंथ बताना है। क्या बताना है? AB का लेंथ बताना है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हूँ, AB का लेंथ बताना है। AB का लेंथ क्या होगा? क्वेश्चन समझ आया सबको? बताइए, क्वेश्चन समझ आया? देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। BE का लेंथ दिया हुआ है 5, EC का लेंथ दिया हुआ है 3, BD का लेंथ दिया हुआ है 2.5। तो आपको किसका लेंथ निकालना है? AB का लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है? AB का लेंथ निकालना है। अब सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए, इसको बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको बनाइए आप लोग। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, बेसिक होंगे। इस क्वेश्चंस को बनाइए और हम मेरे को आंसर बताइए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आपको इसमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं क्वेश्चन को सुन लेंगे फिर से। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये देखिए ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में AC और BE जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है? दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस लाइन सेगमेंट क्या है? पैरेलल है। और आपको बारी बारी से यहाँ पे BE और EC का लेंथ दिया हुआ है, BE और EC का लेंथ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको आपको किसका लेंथ निकालना है? BE और EC का लेंथ दिया हुआ है, अच्छी बात है। इसके बाद DB का भी लेंथ दिया हुआ है, तो आप फाइनली मेरे को AB का लेंथ बताइए कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? तन्वी, जितने भी स्टूडेंट हैं, अथवा, लवण्या, ओम, अर्षद, समृद्धि, ओके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है, ठीक है। ओके, AB इजकल टू 4 यूनिट, ओके, AD इजकल टू आपका 1.5, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा सा, कुछ बच्चे आंसर्स भेजे हैं, अच्छा लगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आसान बनाना बहुत आसान है। देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखकर कुछ समझ में नहीं आए अगर, तो क्या करेंगे, इसको रेशियो को लिखते हैं पहले, BD को लिखते हैं। किसको लिखते हैं हम? BD, BD बाई क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं या DA लिख सकते हैं? इक्वल टू किसके बराबर होगा? BE, BE बाई EC।
बी बाई ए सी बोल सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, ठीक है, इसका प्रोसीजर कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपको एडी लेंथ निकालना होगा। कौन सा लेंथ निकालना होगा? एडी लेंथ निकालना होगा। सबसे पहले एडी लेंथ निकालना होगा, और एडी लेंथ आप जैसे ही निकाल लेंगे, बीडी का लेंथ दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर हम लोग कैसे निकालें, कैसे निकाले सर एडी का लेंथ। तो आपको क्वेश्चंस में की पॉइंट्स दिए हुए हैं सर। की पॉइंट्स क्या होते हैं? आपको हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ है कि सर यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। तो हमने किसी जमाने में पढ़ा हुआ था कि दो लाइन ट्रायंगल के, दो लाइन, एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल पे अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है, तो वो जो दूसरे साइड है उनको दो पॉइंट पे कट करती है, और उस पॉइंट को हम लोग रेशियो लेते हैं डिस्टेंस का। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, उसी उसी को आपको यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे देखिए बीडी का लेंथ दिया हुआ है। बीडी का कितना लेंथ है? 2.5, ठीक है, 2.5, ओके, 2.5 है। इसके बाद आपको डीए का तो लेंथ फाइंड ही करना है, डीए को मैं डीए रहने देता हूँ, ठीक है। आप देखिए बीई का कितना लेंथ है? 5 है, और ईसी का लेंथ 3 है। समझ आया? समझ आया ना? अब इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। 2.5 × 3, 2.5 × 3/5 इक्वल टू किसके बराबर है? इक्वल टू किसके बराबर है? डीए के बराबर है। किसके बराबर है? डीए के बराबर है। इक्वल टू आपको डीए हो जाएगा। अब देखिए 2.5 को इससे इसको कट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 3/2। 3/2 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 1.5। समझ आया ना? अब देखिए ये डीए आपका सिंपल आ गया। अब देखिए डीए तो मेरे को मिल गया, डीए क्या था यहाँ पर, डीए मेरा आ गया 1.5, ठीक है ना, 1.5। और फाइनली किसका लेंथ पूछा गया है? फाइनली मेरे को किसका लेंथ पूछा गया है? आपको एबी का लेंथ पूछा गया है। तो एबी का लेंथ क्या हो जाएगा? एबी का लेंथ हो जाएगा 2.5 + 1.5, ठीक है, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? 4 यूनिट्स हो जाएगा। सबको समझ आया? बताइए, जो बच्चे नहीं बना पाए थे किसी कारणवश, उनको समझ आया कैसे बनेगा? समझ आया ना? अब देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड, जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। अब देखिए मैं आपको एंगल बाइसेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड टू द एंगल इन रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर है। कहने का मतलब देखिए कैसे इसको समझेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ओके, दिस इज आल्सो एक्स, ओके ओके, मैं एक्चुअली मैं सिलेबस को मेरे को देखना पड़ेगा। किसी के पास सिलेबस होगा क्या पीडीएफ फॉर्म में? आप लोगों के पास सिलेबस है क्या, जो जो चीजें एक्सक्लूड कर दी गई हैं? आप लोगों के पास सिलेबस होगा क्या? ओके ओके, तो अगर वो वीडियो होगा, मैंने शायद वो वीडियो मैंने देखा था एक बार, अगर किसी के पास होगा तो यूट्यूब का लिंक भेज सकते हैं, ठीक है ना, मेरे नंबर पे। ओके, तो आप उसको ये क्यों, देखिए मेरा मेरा मानना यह है कि कुछ अच्छे अच्छे इस पे प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है एंगल बाई सेक्टर का, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसीलिए मैं पढ़ाना चाह रहा था। लेकिन आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट से आपको इसको कट कर दिया गया है, तो हम लोग इसको देखेंगे। वैसे ठीक है, आप लोग इसको बताते रहिएगा कौन कौन सा आपका
कट किया गया, क्योंकि मैं एक थोड़े माइंड से मेरे उतर गया है, और वो यूट्यूब लिंक आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास यूट्यूब लिंक है अगर, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है? क्लास के बाद आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से कर डिस्कस कर लेते हैं उससे। चलिए, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स तो पढ़ना है आप लोगों को, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स तो पढ़ना है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बेसिक्स देखेंगे, क्या टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, जो सिमिलरिटी टेस्ट होता है उसमें दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं कि दोनों एक जैसे सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मेथड्स हैं जो आपको जानने हैं, एंगल 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 टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है किस केस में, अगर उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का एंगल क्या हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल्स हो। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है, और इसका एक छोटा सा एक और इसका ये वाला ट्रायंगल है। दोनों क्या है, दोनों सिमिलर कब होंगे, जब इनका एंगल, मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पर एंगल एंगल टेस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? एंगल एंगल टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लीजिए सपोज 80 डिग्री है, ठीक है? ये 80 डिग्री है, ये आपका है मान सपोज आपका 60 डिग्री है, ठीक है? 60 डिग्री है, और ये आपका 40 डिग्री है सपोज, ठीक है? ठीक है, अब देखिए इस एंगल को हम लोग देख रहे हैं, इस एंगल में ये वाला एंगल सपोज मान लीजिए ये भी आपका 40 है, 40 डिग्री है, ठीक है ना? ये मान लीजिए ये आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये आपका 80 डिग्री है, ठीक है ना? ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, इस केस में ये दोनों ट्रायंगल तो सबसे पहले बात सिमिलर है, ठीक है ना? आप कहेंगे सर सिमिलर है कैसे, तो हम लोगों ने देखा एंगल 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 टेस्ट सिमिलरिटी। देखिए 80 डिग्री यहाँ पर भी इस एंगल के सिमिलर है, 60 डिग्री यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इसको, और एंगल 40 डिग्री किसके है, यहाँ पे 40 डिग्री के कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगा। समझ आया, बताइए समझ आया? एक क्वेश्चन आपको बताने हैं, एक क्वेश्चन आपको बताना है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ पर। एक एक किस टाइप से आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है? और यह ट्रायंगल जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है, ग्रीन ट्रायंगल इज सिमिलर टू रेड ट्रायंगल। ओके, अब देखिए इस नेक्स्ट हम लोग क्या है, सबसे पहले क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल वन ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ट्रायंगल फर्स्ट इज सिमिलर टू द ट्रायंगल सेकेंड। ओके, इसके कुछ एंगल्स भी आपको दिए गए हैं, सपोज कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, और इस एंगल का नोमेनक्लेचर हो गया, नाम हो गया ए बी सी, और ये हो गया डी ई एफ, ठीक है? ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा होने वाला है, आपको आपको इसका आंसर देना है, ठीक है? आपको इसका आंसर देना है। ये एंगल है सपोज 60 डिग्री, ओके, ये एंगल है 60 डिग्री, ये भी एंगल हो गया 60 डिग्री, सो ठीक है? ओके, और आपको ये एंगल दिया हुआ है फोर, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ आपको 30 डिग्री, ओके।
एंगल सी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आप मेरे को एंगल एफ और एंगल डी बता सकते हैं? पहले आप मेरे को एंगल ए बताइए, एंगल ए क्या होगा? एंगल ए क्या होगा? बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है, एंगल ए आपको बताना है। ओके वेरी गुड, एंगल ए हो जाएगा। ओके एंगल एफ बता सकते हैं क्या होगा? एंगल एफ, एंगल एफ, ए ए तो आपने बता दिया, वेरी गुड, ए तो 90 डिग्री हो गया। ओके चलिए ये हो गया 90। एंगल डी बताइए आप मेरे को, एंगल डी कितना होगा? एंगल डी कितना होगा? ओके ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये बेसिक्स चीजें हैं, ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट आपको लगाना है। अब देखिए एक और इसमें आपको, जब ये एंगल 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 सिमिलरिटी हो गया तो आप यह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? देखिए इसको, इन दोनों का साइड का रेशियो भी लिखा जा सकता है। कैसे? आप लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप? उसके बाद आप लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं, इक्वल टू ए सी बाई डी एफ लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। मैंने बोला अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसको एक कंक्लूजन लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है यहाँ पर ए बी, देखिए यहाँ पर ए बी बाई डी लिख सकते हैं, डी ई। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी सी बाई ई एफ, ठीक है ना, बी सी बाई ई एफ, ठीक है, इक्वल टू ए सी बाई, ए सी बाई यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए सी बाई डी एफ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? ये समझ आया सबको? ये समझ आया? ये जो मैंने लिखा है इसको लिखा जा सकता है। ओके अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले एक आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्रायंगल है, ओके आपके पास ये ट्रायंगल है। इसके बाद एक छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और दोनों क्या है? सिमिलर है। क्या है? दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। ओके ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन बताइएगा, अगर ये 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है डी एफ, ठीक है, तो आप एंगल ई बता सकते हैं कितना होगा? अगर एंगल बी 30 है तो एंगल ई कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल डी बता सकते हैं आप लोग कितना होगा? एंगल डी कितना होगा? ओके 60। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग एंगल 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 टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स इफ अगर हमारे पास दो एंगल्स मालूम हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, ये तो है ना? अगर दो एंगल्स हमको मालूम है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का समेशन क्या होता है? 180 होता है। तो इसको इसको क्या बोला जा सकता है? एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना?
समझ आया ना? अब देखिए, अब आपके पास साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है। क्या होता है, इसमें दो साइड्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि अगर उन दोनों साइड्स का रेशियो ले ना, फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, एक इसका छोटा सा ट्रायंगल है। अब मैं ये बोल रहा हूँ दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, अगर इसके दो साइड्स देखिए, ये एंगल अगर आपका सेम हो जाए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। ये आपका सिमिलरिटी कंडीशन मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, ये एक एंगल कॉमन है, इसके बाद ए बी, ए बी बाई डी ई लिखूँ मैं, क्या लिखूँ, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ई एफ ई एफ बराबर कुछ यहाँ पे आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कैसे, कुछ आ सकता है 1.5, 1.2, कुछ भी आ सकता है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इस रेशियो के लिए भी सेम होना चाहिए और इस रेशियो के लिए भी सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या है, टेथ से हमारा सिमिलर है। समझ आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, इसी का ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इसका एंगल भी, एंगल दिया हुआ है, ये वाला क्या है, सेम है, जो ग्रीन कलर से हमने किया है ये क्या है, सेम है। और आपको ये बताना है, देखिए यहाँ पर डी ये सिमिलर है, क्वेश्चन में आपको दिया गया किस प्रॉपर्टी स्टेट से सिमिलर है, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड से सिमिलर है। ये क्वेश्चंस आपको करना है, ये पहले क्वेश्चन समझिए आप लोग। ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज 5, ठीक है, 5, और बी सी का सपोज डिस्टेंस दिया हुआ है 7.5, ओके 7.5, डी ई का डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5, तो आपको ई एफ का डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है, ई एफ का डिस्टेंस निकालना है। अब आप ई एफ का डिस्टेंस निकालिए क्या होगा, ई एफ का डिस्टेंस आप लोग निकालिए क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बताइए कितना होगा, ई एफ का डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि जो दो ट्रेंगल्स हैं, ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर होने के साथ साथ इसके आपको क्या दिया हुआ है, कौन से टेस्ट से सिमिलर है, साइड एंगल साइड से सिमिलर हैं, ओके। तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है, सारे ओम ने दिया है, क्या यह सही है, सारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओम शायद आपने भरभली दिया है, अगर सॉल्व करके दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इसको नोटबुक पे आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ओरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मगर आपको आपका जब एग्जामिनेशन होगा तो वहां पे तो आपको नोटबुक पे बनाना होगा, तो सारे बच्चे नोटबुक पे बनाएंगे, इसको बनाइए और इसको आंसर दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये 5 जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में भी लिख सकते हैं, इसको 5 मीटर बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं यूनिट बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, जैसा आपका जहाँ पे जरूरत होगा, ये क्वेश्चंस में दिया हो रहा है। ओके, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कितना होगा, 3.25 आपका आंसर होगा। कुछ मैं आगे बढ़ू, सॉल्व करना पड़ेगा, बताइए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे ये हमने ये देखिए, ये जो लिखा गया है ना, ये जो है ना सिमिलरिटी का साइन है, ठीक है ना, आपको जब यहाँ पर इस टाइप से दिया रहेगा, जैसे ट्रायंगल एबीसी, सपोज एबीसी सिमिलर तो किसके है, डीईएफ, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं,
ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंडिकेट करने का तरीका है। जैसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं, एडिशन का इस तरह से साइन देते हैं, डिवीजन का इस तरह से साइन देते हैं, ठीक है ना? तो वो क्या है, सिमिलरिटी का साइन है। समझ आया ना? तो उससे आपको घबराना नहीं है। अब देखिए, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है, दो ट्रायंगल होंगे इस तरह से सिमिलर होंगे तो उनका जो साइड का रेशियो होगा ना सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, और इसका एक छोटा भाई ब्रदर है, इसका ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी डिस्टेंस 5 है, सपोज ये ए बी सी है, ए बी सी, और ये आपका के एल एम है, ठीक है ना? ये 5 है, तो ये सपोज 2.5 है, मान लीजिए ये 2.5 है, ये 6 है, ये कितना है, 3 है, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आया ना? समझ आया ना? तो ये यहाँ पर कि कौन सा टेस्ट फॉलो कर रहा है, ये साइड 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 फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी बाई के एल, ए बी बाई दोनों साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है ना? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहा हूँ। देखिए 5 बाई यानी ए बी बाई के एल मैं लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, 5 बाई 2.5, ओके, 2.5 इक्वल टू 2 हो रहा है, ठीक है ना? ये 2 हो गया। उसी तरह बी सी, बी सी बाई एल एम, ठीक है, बी सी बाई एल एम आप इसको कीजिएगा तो 6/3 आ गया, ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देख रहे हैं ना, जो फाइनल हमारा आंसर है रेशियो वाला वो 2 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ए सी बाई के एम, ए सी बाई के एम कितना हो जाएगा, 4/2, ठीक है ना? तो ये भी कितना आ रहा है मेरे को, 2 आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे रेशियो क्या है, सेम है, 2 2 2। समझ आया ना? सारे रेशियो यहाँ पे सेम है। तो इस केस में क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर बाई साइड 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 मीन्स SSS टेस्ट। समझ आया? क्लियर है ना? अब देखिए, आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर ट्रायंगल का, जैसे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, दिस ट्रायंगल इस, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये खुद का सिमिलर होगा, ये खुद का तो सिमिलर है ही, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये खुद का तो सिमिलर है ही। समझ रहे हैं ना? ये जो हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए सपोज कोई मैन है, मैन जो है वो तो खुद का तो सिमिलर तो है ही, है ना? वो खुद का सिमिलर है, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है ना? उसी तरह एक प्रॉपर्टी है, अगर ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल के सिमिलर है, देन डी ई एफ जो है ए बी सी के सिमिलर होगा। कहने का मतलब है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है आर एस टी, किसके सिमिलर है, के एल एम के। तो अलग शब्दों में हम बोल सकते हैं के एल एम जो है ना आर एस टी के सिमिलर है। समझ आया? यही यहाँ पे इसका मीनिंग है, ठीक है ना? अब देखिए एक और है, ट्रांसिटिविटी। इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। देखिए इसको ट्रांसिटिविटी मैं समझा रहा हूं। एक आपके पास ये ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है, ठीक है? ये सपोज आपका, ये आपका ए है, बी है, और ये सी है, ठीक है, डी है, ई है और एफ है। अब आपको दो ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना है, कौन सा ट्रायंगल पे, दिस ट्रायंगल
एंड दिस ट्रायंगल पे आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है? इन दोनों ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना है। अभी इसको अभी छोड़ेंगे हम, जी एच आई को अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ठीक है? देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ये मान लीजिए सपोज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ठीक है ना? ये मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया, सिमिलर है। किसके सिमिलर है? ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है? डी ई एफ के। अब चलिए अब दो ट्रायंगल पे, इधर दो ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना है। कौन से ट्रायंगल पे? ये वाले दो ट्रायंगल पे, ठीक है? इन दोनों ट्रायंगल पे आपको कंसंट्रेट करना है। इसमें क्या है, इसको अब हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ किसके सिमिलर है? सिमिलर टू ट्रायंगल जी एच आई, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये जो है डी ई एफ, इन दोनों देख रहे हैं डी ई एफ कॉमन है। कॉमन है ना, कहने का मतलब है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, ये अलग एक स्टेटमेंट हो गया, और डी ई एफ सिमिलर है जी एच आई के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल जी एच आई के। समझ आया? जी एच आई के सिमिलर होगा। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिविटी। समझ आया? कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मैं बोलूं एक शब्दों में, एक अलग शब्दों में, कि मैं लेमैन लैंग्वेज में, ए जो है ना बी के बराबर है, ठीक है ना? ए जो है इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, एक ये वन स्टेटमेंट हो गया, ये आपका वन स्टेटमेंट हो गया। अनदर स्टेटमेंट इज बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, तो हम लोग ठीक है, ये अनदर स्टेटमेंट हो गया। तो हम एक नया स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट जनरेट करेंगे? ए इजकल टू सी होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है? ए इजकल टू सी डेफिनेटली होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एक वर्ड नाम दिया गया है, ट्रांसिटिविटी। समझ आया? समझ आया ना? ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि कोई एक ट्रायंगल है, वो खुद का तो सिमिलर होगा ही, तो उसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे? रिफ्लेक्सिविटी बोलेंगे, ठीक है ना? समझ आया ना? कोई ट्रायंगल है दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर है, तो उसको बोलेंगे कि मैं आपसे सिमिलर हूँ और आप भी मेरे से सिमिलर हैं। कहने का मतलब है ना, ए बी सी ट्रायंगल क्या बोलेगा? यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिगर से। इस फिगर से आप देखेंगे तो ए बी सी बोलेगा कि मैं के एल एम से सिमिलर हूँ, और के एल एम बोलेगा कि मैं ए बी सी से सिमिलर हूँ, ठीक है ना? तो दोनों चीजें, इसी को एक नाम दिया गया है, क्या? सिमेट्री प्रॉपर्टी, इसको नाम दिया गया। अब देखिए ये सब तो आप लोग कर ही लेंगे, क्वेश्चंस मैंने अभी जस्ट कराया है, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस आपको साइड एंगल एंगल का कंसेप्ट लगाकर आपको ये डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए देखिए एक आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है? ये ट्रायंगल है, और एक आपका एक सेकेंड ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपको बताना है कि कौन से टेस से सिमिलर है, ठीक है? कौन से टेस से सिमिलर है आपको बताना है। मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेशन कर रहा हूँ, आपको सिंपली बताना है कौन से टेस से ये सिमिलर है, ठीक है? आपको बताना है कि कौन से टेस से सिमिलर है। अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको।
अब बताइए ये जो है कौन से प्रॉपर्टी तेज से सिमिलर है, बताइए ये जो आपको फिगर दिख रहा है कौन से प्रॉपर्टी से सिमिलर है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, ये दो फिगर्स हैं जिसमें एंगल ए दिया हुआ है और एसी दिया हुआ है, एसी है साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके और लोग बताइए, और स्टूडेंट्स दें इसका आंसर। नहीं, साइड एंगल साइड हम लोग बोलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया किए हैं, हम क्या इंडिकेट किया है, एक एंगल मैंने इंडिकेट किया है, देखिए दो जगह एंगल है और यहाँ पे साइड को मैंने इंडिकेट किया है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे आपको एंगल जी और सी नहीं मालूम है, एंगल जी और सी नहीं मालूम है इस फिगर में, ये स्पेशली दिस फिगर में आपको क्या क्या मालूम है, एंगल ए मालूम है, एसी एसी मैंने इंडिकेट किया है और बीसी इंडिकेट किया है। ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से ये हो जाएगा साइड एंगल साइड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और बेसिक चीजें हैं, ये देखिए ये क्वेश्चंस, अच्छा ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये बताइए तो ये वन फिगर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, और हैं तो किस किस प्रॉपर्टी टेस्ट से सिमिलर हैं, बताइए। क्वेश्चन फिगर नंबर 1.56, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो किस प्रॉपर्टी से हैं टेस्ट से हैं, आपको पूरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे। ओके अच्छा ये बताइए तो पाइथागोरस ये जो फिगर है ये क्या सही फिगर बनाया गया है, फिगर का जो डायमेंशंस है, डायमेंशन मीन्स जो लेंथ दिए हुए हैं क्या सही है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को आपको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा पी क्यू स्क्वायर है प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होना चाहिए। ओके तो देखिएगा इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा सा मैं ही आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको, देखिए एक ट्रायंगल है आपका, किस टाइप से है ट्रायंगल, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ये राइट एंगल सपोज आपका ट्रायंगल है। ओके तो यहाँ पे ये आपका लेंथ दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 10, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे चेक करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आपको चेक करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस पे फोर्स दे रहा हूँ कि ताकि आपको ध्यान में रहे। तो 10 स्क्वायर, ठीक है 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 और 64 प्लस सॉरी 36 प्लस 64, तो ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 इक्वल टू 100, यानी हमारा सही है, ये हमारा जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ये एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए ये जो आपका फिगर है ये बुक में दिया गया है तो इसको 100% करेक्ट नहीं मानेगा जब तक आप अपने से चेक नहीं कीजिएगा तब तक, क्योंकि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में वो गलत फिगर बनाकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या गलत है इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब देखिए इस फिगर को आप देख रहे हैं फिगर 1.75 में, आप मेरे को लेंथ बताइए तो बीसी का लेंथ क्या होगा, बीसी का लेंथ क्या होगा, बीसी का लेंथ बताइए,
ओके 12 होगा। तो आप मेरे को PQ का लेंथ बताइए कितना होगा। ओके BC का लेंथ तो 12 होगा, वेरी गुड, स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं। अब आप मेरे को PQ का लेंथ बताइए। PQ का लेंथ बताना है, और आपको ये मैं बता दूं, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ओके तो आप इसको स्क्वायर रूट में ही बताइए, डेसिमल में नहीं बताना है। अगर आपका मान लीजिए √56 आया सपोज, तो आप लिखिए √56, आपको डेसिमल में नहीं निकालना है, आप मेरे को रूट में ही आंसर दीजिए क्या होगा। ओके वेरी गुड। ओके तो आप मेरे को AB का लेंथ बताइए तब क्या होगा, AB का लेंथ बताइए क्या होगा। नो नो नो, ध्यान से ध्यान से, कैसे सेम हो जाएगा तन्वी, कैसे सेम होगा। AB का लेंथ आपको बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, फोर जो होगा इधर AC 8 हो गया, 6 जो होगा 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√52। इसको आप लोग उस मेथड से भी बना सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 स्क्वायर का रूट कीजिए, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसको बताइए कितना आंसर होगा। AB का लेंथ आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ओके √208, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई किया जा सकता है क्या। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा इसका, √2 × √52। वेरी गुड, चलिए ये बेसिक्स क्वेश्चन हैं। अब देखिए यही छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको नहीं होने चाहिए बस। अब देखिए थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये तो आप जानते हैं, ये तो सिलेबस में है ही, इसमें से तो कोई ये एक्सक्लूड नहीं हुआ है, ये तो सिलेबस में है थ्योरम ऑफ। ओके देखिए थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या, ये क्या स्टेटमेंट कहा जा रहा है। अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो उसका जो रेशियो होगा किसका रेशियो, एरियाज का, किन एरियाज का, जो ट्रायंगल सिमिलर है। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको कंडीशन दिया हुआ है कि सबसे पहले आप मेरे को दो ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, ये मस्ट, ये कंडीशन जरूरी है, तभी ये जो हमारा थ्योरम ऑफ एरिया जब ये आपका सक्सेस हो पाएगा। तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं, नो कोई भी दो ट्रायंगल्स नहीं ले सकते हैं। कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, वह उस टाइप के ट्रायंगल्स लेंगे दो दो जो दोनों सिमिलर हो, वो सिमिलर किसी भी टेस्ट से हो, किसी भी टेस्ट मतलब साइड एंगल, साइड 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 एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है, वो दोनों क्या होना चाहिए, कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, कौन सा आपका सिमिलरिटी का, समझ आ रहा है ना। ये थ्योरम लगाने से पहले आपको सिमिलर होना जरूरी है, ऐसे ही नहीं कि आपने क्लोज आई से कहीं भी इस फॉर्मूले को लगा दिए। इस फॉर्मूले को कहाँ पे लगाएंगे, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। तो कभी भी थ्योरम ऑफ एरिया जब सिमिलर ट्रायंगल पूछा जाए तो
सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए बताइए, कोई कमेंट बॉक्स में रहे, सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, बोथ ट्रायंगल शुड बी सिमिलर। ओके, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे जो ये थ्योरम कहता है। क्या बोलता है कि दोनों का ये ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल का जो रेशियो है एरियाज का, वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको न्यूमेरिकली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल और ये इसका छोटा सा ट्रायंगल। इसका सपोज लेंथ है ये 5, ठीक है, ये 5 है, ये है 2.5 सपोज, ठीक है ना। बेस जो है इसका एरियाज है, सपोज इसका एरिया, मैं ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसका, मान लीजिए सपोज एरिया है कितना, 10। मैं अपने मन से दे रहा हूँ, ये 10 है, ठीक है, क्या है, 10 है। तो इस एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है, तो क्या होगा, ये आपका एंगल ए बी सी और ये आपका डी ई एफ, ठीक है, और इसका एरिया बताना है, ठीक है, इसका एरिया बताना है, ये वाला एरिया कितना होगा, समझ आ रहा है ना, ये वाला एरिया कितना होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले इसका एरिया दिया हुआ है कितना है, एबीसी का, एबीसी का एरिया दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी बाई ट्रायंगल डी ई एफ, डी एफ जो होगा, इसको मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी बाई ट्रायंगल, ये एरिया है, ठीक है ना, एरिया का रेशियो हमको लेना पड़ेगा, एरिया का रेशियो लेना पड़ेगा डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है ना, इक्वल टू साइड कितना दिया हुआ है, साइड आपका एक बी सी साइड दिया हुआ है, तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे, बी सी का स्क्वायर कर देंगे बाई ई एफ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब हमको किसका पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे को, डी ई एफ का एरिया पूछा गया है। तो डी ई एफ का एरिया निकालने के लिए सब क्या करेंगे हम लोग, डी ई एफ का एरिया निकालने के लिए ट्रेंगल ए बी सी इंटू ई एफ, ई एफ का स्क्वायर, ओके, बाई बी सी का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ई एफ हमारा, ट्रेंगल डी ई एफ का, डी ई एफ का हमारा एरिया आ जाएगा। तो ए बी सी का एरिया कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 इंटू ई एफ, ई एफ का दिया हुआ है 2.5, 2.5 का स्क्वायर कर देंगे और ये 5 का स्क्वायर, ये क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको लिखा जा सकता है 2.5 इंटू 2.5, 5 इंटू 5, ठीक है ना, इसका आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2.5, कितना आंसर होगा 2.5। तो इस थ्योरम से क्या मालूम चलता है, इस थ्योरम से यही मालूम चला, ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा डी ई एफ का एरिया है कितना हो जाएगा, ये हमारा 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5, समझ आया आपको, बताइए समझ आया, क्लियर है। ओके, तो कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स ही आपको बनाने हैं, ठीक है ना, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल एग्जाम, कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं मैं आपको, आप लोग नोट डाउन कीजिए, एग्जांपल 1, कुछ मैं बेसिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, एग्जाम्पल 2। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, एंड एंड प्रैक्टिस सेट
1.4 के क्वेश्चंस बनाना है, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। ओके, देखिए मैंने कमेंट कर दिया है, ये आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे स्टूडेंट्स। ये बेसिक्स चीजें हैं, ये इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। और जो जो स्टूडेंट्स हैं वो जो आप उस गूगल यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिएगा जिसके पास होगा सिलेबस के रिगार्डिंग। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाय स्टूडेंट्स।